फोक्सवैगन एमियो इतनी अच्छी गाड़ी होने के बाद भी ज़्यादा अच्छा इंडिया में परफॉर्म नहीं कर पाई, उसके चलते काफ़ी सारे रीजंस हैं। लेकिन अगर मैं गाड़ी की बात करूं तो गाड़ी अपने आप में बहुत अच्छी है। अगर आपको एक कॉम्पैक्ट सेडान चाहिए तो उस हिसाब से, उस लहजे से ये गाड़ी बहुत अच्छी है। डीजल इंजन है, हाईलाइन मॉडल है ये, टॉप ऑफ द लाइन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मोटो फाइंडर्स में। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट वसीम खान आपके लिए एक और गाड़ी ढूंढ के लेकर आ गया हूँ, डायरेक्ट कस्टमर की आरसी पेमेंट, इसको हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है। जिसके नाम पे गाड़ी है उसी से आपकी पेमेंट, उसी को आपने पेमेंट करनी है, उसी से आपकी मीटिंग कराई जाएगी। तो फोक्सवैगन एमियो है ये, 2017 फेब मंथ की रजिस्टर्ड है। इंश्योरेंस जो है वो भी इसका अगले साल जनवरी 2023 तक वैलिड है। पोल्यूशन जो है, पीयूसी जो है, वो एक महीने के लिए अभी आगे वैलिड है। गाड़ी की डिटेल्ड रिव्यू आपको दूंगा, गाड़ी का एक एक चीज़ आपको देखकर बताऊंगा, जो जो चीज़ें मुझे देख सकती हैं, जो जो मैं आपको बता सकता हूँ बताऊंगा। टायर्स की कंडीशन से जैसे मैं आपको बताता हूँ, टायर्स जो है इसके बहुत इमैकुलेट कंडीशन में है। 68,000 किलोमीटर चली है गाड़ी, तो एक बार टायर्स चेंज हो गए हैं, लगभग 30-35 हज़ार किलोमीटर टायर्स और चल सकते हैं। फ्रंट में हमें फोक्सवैगन का लोगो मिल जाएगा, जैसा सिग्नेचर लोगो आता है। यहाँ पे ग्रिल मिल रही है जो कि बिल्कुल साफ है। बोनट पे किसी तरह का कोई स्क्रैच नहीं है, बोनट बिल्कुल साफ है, बोनट आप देख सकते हैं, कोई स्क्रैच नहीं है। कस्टमर की गाड़ी है, जैसी गाड़ी है मैं वैसी बिल्कुल आप लोगों के लिए लेकर आ जाता हूँ। फ्रेंड्स, हेडलाइट्स अगर आप देखेंगे तो हेडलाइट्स पे भी किसी तरह के कोई स्क्रैचेस नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा बम्पर पील ऑफ हो रहा है, आप इसको फिक्स करवा सकते हैं। फॉग लैम्प्स जो हैं वो भी इंटैक्ट हैं, कोई खास डैमेज नहीं है। फ्रंट बम्पर पे आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। आगे वाली ये वाली लाइट जो है ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी हमें कुछ कराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मुझे एक हल्का सा डेंट नज़र आ रहा है जो कि सूखा निकल सकता है। गाड़ी ऑल ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है, सीधा कस्टमर की गाड़ी आपके लिए लेकर आया हूँ। टायर आप ये वाला भी देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के टायर्स हैं, 35,000-40,000 आराम से चल सकते हैं। ये वाला फेंडर भी हमारा बिल्कुल साफ है, अभी इसमें कुछ कराने की जरूरत नहीं। ये डोर बिल्कुल ठीक, ये हमारे ऑटो रिट्रैक्टेबल्स हैं, ये बिल्कुल ठीक है। हाईलाइन मॉडल है, यहाँ पे हमें सिल्वर क्रोम भी हमें मिल रहा है। ये वाला डोर भी हमारा पूरा साफ है, ये वाला डोर भी हमारा पूरा साफ है, ये फेंडर भी हमारा बिल्कुल साफ है, आप देख सकते हैं। पीछे वाली साइड में अगर मैं देखता हूँ तो बूट बिल्कुल क्लीन है, यहाँ पे हल्का सा सूखा सा डेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉक पिन एंटीना है, और ये वाला जो हमारा फेंडर है ये भी बिल्कुल साफ साफ बचता है, बम्पर बिल्कुल साफ है, ये डोर भी साफ है। हल्के से हेयर लाइन स्क्रैचेज हैं, बट ये देखिए नाखून में नहीं आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल रबिंग बफिंग से 100% जा सकते हैं। गाड़ी के एक बार आपको इंटीरियर्स दिखा देता हूँ, ये देखिए एमियो के इंटीरियर्स, बहुत ही प्यारे इंटीरियर्स रखे हैं फोक्सवैगन ने इसमें, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है तो इसमें लग्जरी का भी आपको थोड़ा बहुत मिलेगा टच, और इसमें कॉम्पैक्ट भी आपको चीज़ें मिलेंगी, जैसे रिवर्स कैमरा और वो टू डिन सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट दिया गया है। गियर शिफ्टिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे फोक्सवैगन की गाड़ियों की, और सिटिंग पोस्चर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। एक मैंने वीडियो बनाई थी फ्रेंड्स पसाट की, तो मेरे पास में बैंगलोर से और आउटसाइड दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे कस्टमर्स उसमें इंटरेस्टेड थे, तो उसी को सोचते हुए मैं ये फोक्सवैगन एमियो की भी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये कर्नाटक का रजिस्ट्रेशन है, KA रजिस्टर्ड गाड़ी है, सिंगल ओनर गाड़ी है, फरवरी 2017 की रजिस्टर्ड है, डीजल इंजन है, सिंगल ओनर है, और आपका इंश्योरेंस जो है वो जान 2023 तक वैलिड है, पोल्यूशन जो है आपका एक महीना और वैलिड है, टायर्स अच्छी कंडीशन में है, बॉडी लाइन से आपको कोई काम नहीं कराना है, इंटीरियर्स जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। एक बार मैं आपको इंजन रूम इसका खोल के जरूर दिखाऊंगा, इंजन की साउंड सुनाऊंगा और एक टेस्ट ड्राइव लेके दिखाऊंगा, और फिर मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बताऊंगा। रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। फोक्सवैगन का डीजल इंजन आपको इसके अंदर मिल रहा है फ्रेंड्स, एक बार इसका मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे अभी कोई काम नहीं हुआ है, बिल्कुल इसकी बेडिंग्स जो हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं अभी। यहाँ पे फेंडर्स में भी किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। आगे हेडलाइट सपोर्ट्स जो हैं वो भी बिल्कुल इंटैक्ट हैं, और ये हमारा बुट जो हमारा बोनट होल्डर है वो भी ठीक कंडीशन में है। सारे बोल्ट जो हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं, जैसे कंपनी से आते हैं। बैटरी अच्छी कंडीशन में हमें इसकी लग रही है। इंजन की साउंड एक बार आपको सुनाता हूँ माइक निकाल के। इंजन की साउंड मैंने आपको सुना दी, इंजन कंपार्टमेंट आपको दिखा दिया है, पूरी तरह से दिखा दिया कि गाड़ी कहीं से एक्सीडेंटल नहीं है, फ्रंट से पूरी हमने चेक कर ली है। ये देखिए बूट स्पेस भी अच्छा मिलता है, चार सूटकेस इसमें आप आराम से रख कर जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये इसकी हमें की मिलती है फोक्सवैगन एमियो की, जिसमें लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनर हमें मिलता है, और बटन जो है ये मैनुअली ऑपरेटेड की है, कीलेस एंट्री है, रिमोट कंट्रोल है, मतलब आपको बटन प्रेस करना होगा।
यहाँ पे हमें ऑटो कंट्रोल एसी मिल रहा है क्योंकि हाईलाइन वेरिएंट है, यहाँ रिवर्स कैमरा मिल रहा है हमें, कंपनी फिटेड मिल रहा है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। एएम एफएम और मीडिया ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हमें इसके अंदर मिल रही है। सारी लाइट्स जो हैं वो चल रही हैं बराबर, म्यूट कर सकते हैं आप, यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, फ़ोन सेटअप कर सकते हैं, और इसका एक बार म्यूजिक सिस्टम भी सुन के देख लेते हैं। क्या देखा तुमने? सिस्टम इसका बिल्कुल सही ऑपरेटेड है। यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है और ड्यूल हमें टोन इंटीरियर्स इसके अंदर मिल रहे हैं, बेज इंटीरियर्स प्लस ब्लैक इंटीरियर्स हमें इसके अंदर मिल रहे हैं। और सीट बेल्ट लगा लेते हैं, एक टेस्ट ड्राइव भी ले लेते हैं अपने व्यूअर्स अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ, मैं इस इंटेंट के साथ वीडियोस बनाता हूँ कि जो मेरे कस्टमर्स दूर हैं, बाहर हैं, और जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं और वो गाड़ी लेने के लिए आ रहे हैं, तो गाड़ी उनको एज इट इज़ वैसी मिले जैसी मैं वीडियो में बता रहा हूँ। इसलिए मैं हर चीज़ को बता देता हूँ, जो भी गाड़ी में मुझे प्रॉब्लम लगती है वो मैं बता देता हूँ। अगर आप अपने लिए कोई भी कार परचेज़ करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साइड में एक मेरा कैटलॉग रन कर रहा है, आप कैटलॉग में देख सकते हैं, आपको और भी गाड़ी कोई और समझ आ सकती है, या हो सकता है ये सेल हो गई, जब तक आप आएँ आप कैटलॉग को देख लें, उसमें अवेलेबल स्टॉक रहता है, लेटेस्ट कैटलॉग अवेलेबल रहता है मेरा हमेशा व्हाट्सएप पे। तो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं हम, एक्सप्रेस वे पे हैं इस वक्त, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं फोक्सवैगन में। मुझे ड्राइवेबिलिटी में कभी किसी तरह का कोई कंसर्न नहीं आता है, और क्योंकि ये 2017 मॉडल है तो गाड़ी ज़्यादा तंग या परेशान भी नहीं करेगी। 68,000 किलोमीटर चली है, कस्टमर के हाथ में कंपनी मेंटेन्ड गाड़ी है, पूरे सर्विस रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, हाईलाइन मॉडल है। नीचे देखिए यहाँ पे एक टिल्ट पे मिल रहा है जैसे पोलो जीटी में मिलता है या हमें स्पोर्ट्स कार्स में मिलता है। नीट एंड क्लीन इंटीरियर्स है, नीट एंड क्लीन कार है, ऑल ओरिजिनल कार है। 4.5 लाख रुपये कस्टमर की डिमांड है लास्ट, और वो चाहते हैं कि हम वीडियो के थ्रू उनकी गाड़ी बेचे, इसलिए वो ये वीडियो बनवा रहे हैं। 4.5 लाख रुपये लास्ट उनकी डिमांड है, 4.5 से कम की नहीं देंगे वो। अगर आप ये गाड़ी वीडियो देखकर लेने में इंटरेस्टेड हैं, आप आ सकते हैं, गाड़ी आकर देख सकते हैं, गाड़ी का नंबर मैंने डिस्प्ले कर दिया, आप उसकी सर्विस हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। अगर आपकी भी अपनी कोई गाड़ी है और आप उसको सेल करना चाहते हैं डायरेक्टली एंड कस्टमर को, एंड बायर को, तो आप मोटो फाइंडर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके पास आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बनाएंगे आपकी गाड़ी की। फोक्सवैगन की एमियो जो है वो आपको प्रोबिंग अपने आप से करनी है कि आपके कितने किलोमीटर्स की डेली रनिंग है, आपकी हाईवे पे कितनी रनिंग है, आपको कितना सेफ्टी की तरफ कितना आपका ध्यान है, और आप एक ब्रांड वैल्यू में कितना इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फोक्सवैगन एमियो इज़ अ गुड बाय। मतलब 4.5 लाख रुपये में मुझे कोई बुरा सौदा नहीं लगता, अच्छी गाड़ी है। और बाकी 4.5 लाख रुपए में अगर आप डीजल गाड़ियां लेने के लिए जाओ 2017 मॉडल, तो काफ़ी कम ऑप्शंस रह जाती हैं, काफ़ी कम ऑप्शंस मिलती हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में और ज़्यादातर स्टेट्स में जो है 10 ईयर्स का डीजल का भी एक इशू चल रहा है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि गाड़ी जो है अच्छी कंडीशन में, अच्छे प्राइस में, थोड़ा बहुत शायद नेगोशिएट भी कर लें कस्टमर ऑन टेबल, जब ऑन टेबल मीन्स ऑन टेबल, फ़ोन पे नहीं, वो ऑन टेबल ही शायद नेगोशिएट कर लें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ गुड डे।